तो और मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है यार। सो होप गाइस आप सब एकदम बढ़िया होंगे। एंड आज के इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि कल मैंने बोला था कि शायद, भाई मैंने वहाँ पे शायद वर्ड का यूज़ किया था, जहाँ पे मैंने बोला था कि हमें बरमूडा रिमास्टर टेम्पोररी बेसिस पे मिलेगा, यानी कि ओनली फॉर 10 डेज के लिए देखने को मिलने वाला है, 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक। बट बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न था कि नहीं भाई, 10 तारीख तक जो हमें मिलेगा वो बरमूडा रिमास्टर्ड सिर्फ नहीं मिलेगा, 10 तारीख का जो एंडिंग पॉइंट था ना, वो हमारा इवेंट का एंडिंग पॉइंट था। अब बहुत सारे लोग न्यू इस वीडियो में आए होंगे, तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, तो मैं फटाफट पहले बता देता हूँ कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक हमारा बरमूडा 2.0 का इवेंट है, और उसके बाद नीचे जो है वो डिस्कवर द मैप लिखा हुआ है। ओके, सो सीन क्या है कि बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं, वो 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक ही बस इवेंट का डेट है, बरमूडा रिमास्टर जो है वो परमानेंट आ जाएगा। तो भाई देखो, ये बिल्कुल सही बात है, बरमूडा रिमास्टर्ड हमारा परमानेंट ही आएगा, ओके, टेम्प्रोरी नहीं आने वाला है। सो मैंने भाई पिछले वीडियो में आपको ये बोला था कि शायद हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि भाई मुझे जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है, मैं जहाँ से इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ ना, वहाँ पे मुझे जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है, पहले मैं वो आपको बता देता हूँ, ओके। अब आप ये मत समझ लेना कि ये इन्फॉर्मेशन 100% कन्फर्म है, भाई जहाँ तक मैंने रिसर्च किया वहाँ तक मुझे लगता है कि बरमूडा रिमास्टर्ड परमानेंट ही हमें देखने को मिलेगा। बट मुझे जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली है, वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से हमें क्लैश स्क्वाड, अगर आप पुराने बंदे हो, आपको मतलब गेम के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है, तो आपको ये पता होगा कि हमारा बरमूडा रिमास्टर्ड पहले टेम्पोररी बेसिस पर हमें दिया गया था, चेक करने के लिए कि क्या ये गेम में तहलका मचा पाता है कि नहीं, मतलब बहुत सारे लोग इसको खेलते हैं कि नहीं। बट जैसा कि आपको पता है भाई, मतलब क्लैश स्क्वाड बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आया, और अभी वो गेम में परमानेंट हो चुका है, मतलब अभी आप क्लैश स्क्वाड रैंक्ड आपको सब मिल जाता है। तो जहाँ तक मुझे बताया गया था, मतलब कोई खास कोई पॉपुलर आदमी नहीं, बस एक नॉर्मल जो होता है ना, एक नॉर्मल क्या बोलते हैं उसको, मतलब एक नॉर्मल, जैसे मैंने सर्च किया वहाँ पे मुझे ये बताया गया कि हमें इसी तरीके से कुछ बरमूडा रिमास्टर्ड भी देखने को मिलेगा। अब भाई देखो, ये तो कन्फर्म है कि बरमूडा रिमास्टर्ड हमें परमानेंट ही देखने को मिलेगा, बट मुझे जो इन्फॉर्मेशन कुछ दिन पहले मिली, मैं उसके बारे में आपको डिटेल बता रहा हूँ, ओके। अभी तो जहाँ तक मुझे पता चला, अभी अगर मैं कल शाम की बात करूँ, तो कल शाम में तो मुझे ये पता चला कि हमें बरमूडा रिमास्टर्ड परमानेंट देखने को मिलने वाला है, ओके। बट मुझे जो मिली वो आपको बताता हूँ। तो मुझे जो इन्फॉर्मेशन दिया गया वहाँ पर, मुझे ये बताया गया कि बरमूडा रिमास्टर्ड जो है 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक ही मिलेगा। उसके बाद क्या सीन होगा ना, कि उसके बाद हमारा बरमूडा रिमास्टर्ड वापस ले लिया जाएगा और OB26 में रिलीज किया जाएगा, ओके। अब ये मुझे 2 दिन पहले ये बात पता चली, बट ये कन्फर्म नहीं है, कन्फर्म्ड यही है कि हमें बरमूडा रिमास्टर्ड भाई 10 तारीख तक के बाद में मिलेगा, ठीक है। मतलब अभी कोई भी क्लियरेंस नहीं निकला, अभी बरमूडा कोई भी गैडिना ऑफिशियल अपने तरफ से कोई भी मतलब ये कन्फर्म नहीं किया कि हाँ हमें ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। बरमूडा का भी मतलब अभी गैडिना का ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं है, तो आप लोग ये मत समझना कि गैडिना ऑफिशियल कन्फर्म कर दिया है। हमें जहाँ तक मुझे सूत्रों के हवाले से, अब ये मत पूछना कि तुम्हारा सूत्रों का हवाला कहाँ है, मतलब सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है ना, वहाँ पे यही बताया जा रहा है कि हाँ बरमूडा रिमास्टर्ड जो है वो परमानेंट आया, और 2 दिन पहले मुझे ये बताया गया था कि बरमूडा रिमास्टर्ड जो है वो टेम्प्रोरी बेसिस पे आया, और ये हमसे वापस ले लिया जाएगा और OB26 में परमानेंट कर दिया जाएगा। सो अभी तो इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। तो होप गाइस आपको, मतलब कल जो मैंने डाउट क्रिएट किया था आप लोगों के लिए, होप आपका डाउट सॉल्व हो गया होगा। और चलो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, आपको भाई कमेंट में इसका आंसर देना है। आपका भाई जो नॉर्मल पिंग है, जो आप ऊपर पिंग देख रहे हो मेरा 73-78 जो नॉर्मल है, मेरा जो भाई एवरेज पिंग होता है वो होता है 76, मतलब ये बहुत टाइम मुझे देखने को मिलता है वो 76 का पिंग होता है। तो आप लोग मुझे अपना एक नॉर्मल पिंग बताओ कि आप एक नॉर्मल पिंग कितना का होता है जिसमें आप खेलते हो, ठीक है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, और टट्टा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।